तो राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं है सीएम का चेहरा। बीजेपी ने दिया वसुंधरा को धोखा। वसुंधरा नहीं तो किसे चुना जाएगा मुख्यमंत्री का चेहरा। राजस्थान की रैली में हुआ वसुंधरा राजे के साथ बड़ा खेला। राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीजेपी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ धोखा करने की फिराक में है। बीजेपी पार्टी की फितरत सभी जानते हैं कि भाजपा में अगर कोई एक चेहरा चलता है तो वो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय स्तर तो क्या, अगर कोई राज्य स्तर का नेता भी उनसे आगे चलने लगे तो उन्हें खलने लग जाता है। कुछ ऐसा ही राजस्थान में हुआ, जहाँ पिछले 20 साल से बीजेपी का प्रमुख चेहरा रही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को फ्रंट में नहीं रखा गया। वसुंधरा राजे एक ऐसी पहली महिला नेता है जो दो बार प्रदेश की सीएम रह चुकी है, लेकिन लगातार इस बार उनकी अनदेखी की जा रही है। हाईकमान वसुंधरा को दिल्ली बुलाने का मन बना रही है, लेकिन वसुंधरा राजे राजस्थान नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी वसुंधरा राजे की कितनी अनदेखी कर रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 25 सितंबर को मोदी राजस्थान पहुंचे, तो जनसभा स्थल पर मोदी के रथ में वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई। इस रथ पर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इससे आप समझ सकते हैं कि हाईकमान राजे की किस तरीके से अनदेखी कर रहा है। इसके अलावा वसुंधरा राजे पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में बैठी जरूर थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे राजे ने नरेंद्र मोदी से मुंह फेर लिया हो। इसके बाद सभी को इंतजार था कि वसुंधरा राजे मंच से अपना भाषण देंगी, लेकिन ये भी नहीं हुआ। मोदी की सभा में पूर्व सीएम और राजस्थान बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे का भाषण नहीं होने के चलते राजनीतिक बाजार गर्म हो गया, जिसके बाद उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सीएम फेस में बीजेपी राजे की जगह किसी और को मौका देगी, जिसके इशारे साफ तौर पर मोदी की इस रैली में देखे गए। राजे की जगह किसे जगह देने की तैयारी। मोदी की रैली में उठ गया इस राज से पर्दा। क्या वसुंधरा राजे को टक्कर दे पाएगा ये नया चेहरा। वसुंधरा राजे की जगह किसे विकल्प बना रही है बीजेपी। 25 सितंबर को राजस्थान में मोदी की रैली और उस रैली में वसुंधरा राजे की मौजूदगी, इन दोनों बातों को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। बीजेपी हर बार चुनावों से पहले सीएम का चेहरा घोषित करती आई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी नेता को सीएम फेस घोषित किया गया हो। लेकिन मोदी की रैली में इस बात के संकेत मिले हैं कि वसुंधरा राजे को रिप्लेस कर बीजेपी इस बार नए चेहरे पर भरोसा जता सकती है। इस सभा में कई ऐसे चेहरे निकल कर सामने आए जिन्हें राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है। मंच का संचालन राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। मंच पर महिला नेताओं को दी गई जिम्मेदारी से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आई जिन तस्वीरों में राजे को साइडलाइन और इन महिला नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई। पूर्व सीएम के साथ सांसद दिया कुमारी, रंजीता कोली, जसकौर मीणा, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुज्जर, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, महापौर सौम्या गुज्जर और हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा मौजूद रही। इन सब महिला नेताओं में दिया कुमारी और अलका गुज्जर मुख्य भूमिकाओं में नजर आई। अब वसुंधरा राजे का विकल्प बेहतर कौन बन सकता है ये तो हाईकमान तय करेगा। ये भी जरूरी नहीं कि जो चेहरे मंच पर सामने आए उसे सीएम का फेस बनाया जाए। राजस्थान में जीत के लिए शीर्ष नेतृत्व पूरी ताकत झोंक रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और मोदी के चेहरे पर ही शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है। सीएम कौन बनेगा इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने भी शक्ति प्रदर्शन कर सरकार को ये दिखाने की कोशिश की कि राजे के साथ धोखा करने वाली बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल देखना होगा कि किस महिला चेहरे पर पार्टी भरोसा जताती है। क्या राजे को एक बार फिर से सीएम फेस बनाया जाता है या फिर उनके साथ पार्टी धोखा करती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वसुंधरा राजे पर बीजेपी को भरोसा जताना चाहिए या किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।